आज के समय में हर किसी को जल्दी है, किसी को जल्दी कहीं पर पहुंचना है तो किसी को जल्द से जल्द बस भरने की जल्दी है। ऐसे में कई बार बस ज्यादा भर जाती है तो बस की छत पर यात्री बैठकर सफर करने लगते हैं, जो कि काफी ज्यादा रिस्की होता है, लेकिन फिर भी बस की छत पर यात्री यात्रा करते हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बस की छत पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में अगर बस का संतुलन जरा सा भी बिगड़ गया तो यात्री नीचे गिर सकते हैं। वहीं प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही देखने को नजर आ रही है, क्योंकि नियम के अनुसार बस के अंदर यात्री होने चाहिए, ना कि बस के ऊपर। जानकारी के अनुसार ओचरा के राम राजा भगवान के दर्शन कर श्रद्धालु अपने अपने घर लौट रहे थे, क्योंकि 22 फरवरी को पुक नक्षत्र होने के कारण आसपास दूर दराज से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। लेकिन जब श्रद्धालु घर वापस लौट रहे थे तो बस की छतों पर बैठकर सफर करने को वो मजबूर हो गए। बात करें तो झांसी से ओचरा वाया टीकमगढ़ जो बसें जा रही हैं, उन पर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस या फिर आरटीओ अधिकारियों की नजर तक नहीं पड़ रही। इसकी छत पर यात्री बैठकर सफर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बस संचालक एक बड़े हादसे को भी चुनौती देने का काम कर रहे हैं। और बस स्टाफ के द्वारा जब छत पर बैठकर लोगों से सफर कराया जाता है तो क्या परिवहन निगम की नजर नहीं पड़ती है? ऐसे बस संचालकों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए?